वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? और फ्रेंड्स, आज बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया लवका, और वो भी घर के बिल्कुल नज़दीक में हुआ। मतलब अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले परी को ट्यूशन से छोड़ के आया है 11 बजे, और रिटर्न आने में गिर गया बहुत तेज। तो कल ही स्कूटी मैंने सर्विसिंग वगैरह कराई थी। पता नहीं कैसे चलाते हैं बच्चे कि ले के गिर पड़े, स्कूटी साइड में जाके गिरी, वो भी डैमेज थोड़ी सी हुई है। और इसकी जेब में मोबाइल था, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। अभी परी को रिसीव करने गया है फिलहाल, तो आता है तो मैं दिखाती हूँ क्या हाल हुआ है मोबाइल का। और लेकिन ये सब चीज़ें डैमेज, ये सब रिपेयर हो सकती है, सही हो सकती हैं, और बस ईश्वर का धन्यवाद देंगे कि ये भाई साहब ठीक हैं। और ये सब चीज़ें तो खैर रिप्लेस भी हो सकती हैं और रिपेयर भी हो सकती हैं। तो मोबाइल तो ऐसा हो गया ना, पूरा जैसे ऐंठ सा गया है। अभी मैंने उसको बोला है क्योंकि उसको रख दो, शाम को पापा को दिखा देना, फिर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि बुरी तरीके से पूरा डैमेज हो गया है। तो वेट कर रहे हैं, परी को लेके आ जाए लव, फिर आपको दिखाते हैं। सही चल रही है कल जैसी की? एक बार आप भी चला लेना। हाँ ठीक है, ठीक ही है, ठीक ही है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये रही परी, खोपड़ी खुजाते हुए पसीने में आई ना, क्योंकि अभी 12:30 हो रहे हैं। मतलब ये घड़ी थोड़ी सी फास्ट है, 12:30 ही हो रहे हैं, और आज इनका ट्यूशन 11 बजे हो गया, क्योंकि इनकी दीदी के घर गेस्ट आ रहे हैं। और बस किचन मेरा साफ़ करने को पड़ा है, बाकी सब काम हो गया। 12 से 1 नहीं जा पाओगी, कह दो मॉर्निंग में बुलाइए, धूप में। उसी टाइम। उस समय किस टाइम? 11 बजे नहीं, सुबेरे 8 बजे। 8 बजे? हाँ, होमवर्क कर डालिए। चलो बैठो, पसीना सुखाओ। हाँ हाँ, धुल जाएगा। जब फ्रेंड्स को फ़ोन दिखा दो, हाथ देखें, हाथ दिखाओ, चोट जो लगी है। और फ्रेंड्स, ये चोट इसको लगी है हाथ पे, अभी भी मेरा चेक का हाथ कांप रहा है। पैर में लगी है। ये सब रख दो, मैं धुल दूँगी, अभी कपड़े धुलने ही जा रही हूँ। तो निकाल लो। मोबाइल दिखा दो जैसा। और ये फ्रेंड्स फ़ोन, मैंने इसको कहा था आराम से छूना, हाथ में ना लगे लव, ध्यान से। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा फ़ोन ही जैसे मतलब मुड़ सा गया है। किस जेब में था ये? इस जेब में था, और इस तरीके से ही रखा हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था ना आगे की तरफ। ऐसे रखा हुआ। गिरे भी तो ऐसे ही है। ये गिरा है एक्चुअली, हमारी नाली बगल में एक हैं दुबे जी, मेड़ बांध से चलते हैं सड़कों पे भी, नालियों पे भी, उन्हीं की मेहरबानी है। मतलब पता नहीं क्या है, पानी ना जा पाए इधर से उधर, बेवकूफ़ियत वाले काम है उनके भी। रख दो इसको, पापा को दिखा देना, फिर उसके बाद इसको थ्रो कर देना। दिखाने लायक नहीं है, पापा को दिखाएंगे फिर फेंका जाएगा। उसको छूना नहीं, बिल्कुल स्क्रीन टच नहीं करना, हाथ में लग जाएगा। ठीक है, रख के आ जाओ, और दवाई आधे आधे घंटे पे लो। तुम बैठो परी। तुम्हें दवाई की क्यों आवश्यकता है? सूते गए, कायदे में कूटे गए। आज फ्रेंड्स मैंने इसको मारा था सुबह, हम ऐसे जाके सो गए थे वहाँ पे। और गाड़ी? नहीं, गाड़ी तो मिट्टी पे थी, हम उछल गए। इसको दिए दो बूंद जिंदगी की। और फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन में, और थोड़े बर्तन फ्रेंड्स मैंने धो रखे थे, थोड़े से बाकी थे, और बच्चे आ गए थे तो वही मैं बैठ गई थी। और फ्रेंड्स, संजू फिर से छुट्टी पे चली गई हैं, उसको कुछ ज़रूरी काम है, आ जाएगी 1-2 दिन में। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं निकाल रही हूँ घी, क्योंकि घी एक ऐसा चीज़ है ना कि पूजा में भी इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा मलाई नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी है, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से निकलना चाहिए, क्योंकि कभी कुकर सीटी दे रहा होता है, कभी कुछ, तो इस वजह से मैं नहीं निकालती हूँ जब खाना बनाती हूँ। और अब खाना मेरा बन चुका है, सिर्फ रोटियाँ बनानी है, जब खानी होंगी तब बनाऊँगी। और अभी तो एक भी नहीं बजा है फ्रेंड्स, तो इसको डाल दे रही हूँ कढ़ाई में, और ये अपना हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब समय तो लेता ही है, घी निकालिए, धीमी आँच पर निकलता है तो समय लेता है, लेकिन ठीक है। और बाज़ार वाले से तो मतलब एक तरीके से अच्छा है, बाज़ार वाला लेने जाएंगे पहले तो आपकी मतलब आपको जेब से पैसे निकाल के देने पड़ेंगे, उसके बाद आप घी लेके आओगे, वो भी पता नहीं डालडा है कि क्या है। और ये मलाई से जहाँ तक है सही है,
बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हाथ से ही है। और बस फ्रेंड्स एक एक बूंद मलाई निकाल लूँ उस कोशिश में लगी हूँ कि वेस्ट जाके भी फ्रेंड्स इसको अगर रख देंगे सिंक में और फिर धोएंगे तो ये भी वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से इसको अच्छे से निकाल ही लेती हूँ। और आजकल गर्मियों के दिन है फ्रेंड्स, तो नल में भी गर्म पानी आता है, गर्म पानी गर्म नहीं करना पड़ता है और अपने आप ही गर्म हो रहा है पानी, और बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे फ्रेंड्स और हम लोग भी अच्छे से गर्म पानी में साफ़ होंगे। और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाथरूम में और मैंने परी के कपड़े भिगा रखे थे एक्चुअली, और लब भी अब गिर गए हैं तो उनके कपड़ों पे भी मिट्टी शिट्टी लग गई थी, तो मैंने कहा लाओ दे दो मैं धो दूँ उसको भी। और वैसे लब अपने कपड़े खुद धो लेते हैं, मतलब जब घुसता है लब बाथरूम में तो जिसका भी कपड़ा वो धो देता है। और फ्रेंड्स आजकल वॉशिंग मशीन बहुत कम लगाई जा रही है क्योंकि गर्मी है तो हाथों से धुल के और ड्रायर लगा के काम हो जा रहा है, तो इसलिए डेली डेली मशीन भी नहीं लगानी पड़ रही है क्योंकि लगता है क्या इसे मशीन में चलाया जाए, इससे अच्छा जितनी देर में घुसे हैं नहाने उतनी देर में एक बाल्टी कपड़ा आधी बाल्टी कपड़ा धुल के निकल जाएंगे। और बस फ्रेंड्स इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के रख रही हूँ, गंदे तो नहीं है हल्के फुल्के से ही होते हैं, बच्चे कहाँ मिट्टी में घिस घिस के खेल रहे हैं, बस लव आज थोड़ा सा गिर गया है तो उनके कपड़ों पर हल्की फुल्की मिट्टी लगी है। और ये कैप बच्चे लगा के पार्क गए थे तो दोनों की कैप उड़ गई थी, हवा चल रही थी तो जब गिर गई तो फिर उन्होंने लगाई नहीं, कहा कि मम्मा इसको धो दो पहले, तो बस इसको भी हल्का फुल्का फ्रेंड्स वॉश कर रही हूँ और इनको धो धा के फ्रेंड्स इस समय तो नहीं जाऊँगी फैलाने धूप में क्योंकि इस समय सुखाऊँगी तो मैं ही सूख जाऊँगी, तो बस फ्रेंड्स इसको धो के रख लेते हैं और शाम के टाइम पर ही इसको सुखाएँगे। और फ्रेंड्स उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में और रोटियां सेक रही हूँ। और आजकल फ्रेंड्स आप दो बार नहाइए, चार बार नहाइए, दस बार नहा लीजिए लेकिन ज़रा सा काम करिए फिर वैसे ही हो जाता है, मतलब लगता ही नहीं है। अभी मैंने कपड़े धोए फिर नहा लिया, लेकिन रोटियां थोड़ी सी ही बनानी है, पाँच छः रोटियाँ ही बनानी है लंच के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन फिर से पसीना स्टार्ट क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और इस एरिया में मेरे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रूम्स वगैरह ठंडे हैं लेकिन ये डाइनिंग स्पेस जैसे लगता है कि बाप रे बाप कितनी गर्मी है यहाँ पर। तो बस फ्रेंड्स चपाती सेक रही हूँ और दूसरी तरफ फ्रेंड्स घी भी मेरा मतलब हो चुका है 75% तक हो चुका है, रोटियाँ जब तक सेकूँगी खाऊँगी तब तक ये छानने लायक हो जाएगा। और बस बना रही हूँ और मेरी आदत है फ्रेंड्स बनाती जाती हूँ और थाली लगा के बुलाती रहती हूँ कि भैया जिसका जिसका नाम लेती हूँ आके ले जाता है, तो परी का नंबर है पहले तो परी को फ्रेंड्स निकाल दिया है, चटनी और सब्जी और और फ्रेंड्स लंच हो चुका है और 2:30 बज चुके हैं और ये मेरा फेवरेट टाइम है क्योंकि समय पे रेस्ट करने मिलता है बढ़िया, आप ठंडे में रह सकते हैं दो घंटे तो नहीं, अभी 2:30 बज रहा है, 4 बजे मुझे पार्लर जाना होगा और आज परी की छुट्टी है इवनिंग की, इसकी दीदी ने मॉर्निंग में ही पढ़ा दिया है तो ये आज शाम को नहीं जाएगी, टैब नहीं देखोगी बैठ के, रखो उसको नीचे। और बस फ्रेंड्स इसको सुलाती हूँ थोड़ी देर और उसके बाद इसको पढ़ने का काम देके मैं पार्लर चली जाऊँगी। और किचन का काम फ्रेंड्स ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं सब जानती हैं मेरा ख़त्म हुआ है 2:30 बजे और हो सकता है अभी कई लोगों का ख़त्म ही ना हुआ हो, मतलब कई लोग थोड़ा लेट खाते हैं तो और लंबा खींच जाता है, लेकिन गर्मियों में किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। घी भी फ्रेंड्स मैंने निकाल के रख दिया है, तो चलते हैं बस थोड़ा रेस्ट करें फिर मिलते हैं आपसे।